नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या राजस्थान के सरकार में पंजाब की तर्ज पर बदलाव होगा? क्या अगला चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अगर जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या राजस्थान में अभी से सरकार के खिलाफ माहौल बन गया है? गहलोत सरकार पर और मुख्यमंत्री गहलोत के भविष्य पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, आज मुख्यमंत्री ने हर एक सवाल का आसानी से और तसल्ली से जवाब दिया। अपनों को नसीहत दी तो विरोधियों पर वार भी किया। साफ साफ कहा कि वो 10 से 15 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, उनको कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रदेश की जनता फिर से कांग्रेस की सरकार चाहती है। आज मुख्यमंत्री अलग ही फॉर्म में नजर आए। सियासी अनुभव के साथ जो शब्दों के बाण चलाए, उन्होंने सभी को भेद कर रख दिया। तो क्या अब राजस्थान की सियासत से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल चुका है? क्या मुख्यमंत्री ने हर सवाल पर विराम लगा दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर। अब 15 साल तो 20 साल में कुछ नहीं होगा। दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे मेरे बस की बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। याद कीजिए, मुख्यमंत्री इससे पहले भी कह चुके हैं कि मैं थासू दूर कोनी, और अब जब सियासी सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या मुख्यमंत्री के इन जवाबों के बाद भी राजस्थान की सियासत में 2023 से पहले कुछ बचता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी। योगेश जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया भी पहुंची, विधायक भी पहुंचे, अधिकारी भी पहुंचे, आम जनता भी पहुंची, लेकिन उससे इतर जब मुख्यमंत्री ने बोला तो क्या ये माने कि हर सवाल का जवाब देते हुए हर सवाल पर विराम लगा दिया? विजेंद्र, बहुत लंबा अनुभव अशोक गहलोत का है, ना केवल देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने आप में एक राजनीतिक वटवृक्ष है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनको ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी ताकतें पैदा हो चुकी थी जिसके कारण उनको ये सवाल खड़े करने पड़े या जवाब उन सवालों का देना पड़ा? तो मुझे जो लगता है, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने ये संकेत दे दिया है कि किसी भी तरह का कोई उठापटक पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में नहीं होने वाला। राजस्थान में जो, और दूसरी बात अगर हम समझे विजेंद्र, इसके दो पहलू हैं। पहला, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कहीं कोई किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता राजस्थान में नहीं होगी, और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि दिल्ली जो आलाकमान है उसने राजस्थान को लेकर एक फॉर्मूला तय कर दिया है, और वो फॉर्मूला अशोक गहलोत को भलीभांति पता है, और उस फॉर्मूले के अनुसार अशोक गहलोत का जो बयान आए हैं वो सामने आ चुके हैं। मतलब कि एडजस्टमेंट की जो पॉलिटिक्स है, एक सत्ता का जो बैलेंस है, जिन चेहरों को लेकर आगे बढ़ना है राजस्थान में कांग्रेस को, वो तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। तारीखों को लेकर कुछ तय होना है, ये ज़रूर है। केंद्र में अशोक गहलोत होंगे और पूरी जो जो दूसरी पिक्चर है वो हमें राजस्थान में नज़र आने वाली है, और अशोक गहलोत की पूरी कहा जा सकता है दिल्ली भी उनकी बात को मानते हुए आगे राजस्थान में नई जो चुनावी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की वो रखेगा। तो चार प्रमुख चेहरे राजस्थान में मुझे लगता है अब नज़र आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ही, उसके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, और जो हम तीन बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं जिनको लेकर सत्ता की धुरी नज़र आ सकती है, वो है डॉक्टर CP जोशी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और इन दिनों राजनीतिक तौर पर उनके आवास पर जितनी सरगर्मियां देखी गई है वो काबिले गौर है। दिग्विजय सिंह भी उनसे मिलने जाते हैं, और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद भी उनसे मिलते हैं, तमाम जो घटनाक्रम है। और इसके साथ ही दूसरा चेहरा सचिन पायलट जो युवा लीडर है और कांग्रेस के भविष्य के तौर पर भी देखा जाता है, और हरीश चौधरी जिन्होंने पंजाब का राजनीतिक मुद्दा सुलझाया और आलाकमान की पसंद 10 जनपद की बेहद नज़दीक। तो ये पूरी जो 5 नेताओं के बीच जो चेहरों की जो गणित है, अब इसमें जो 2 जातियों का जो गणित है वो मुझे लगता है दिल्ली आलाकमान को तय करना है। एक तो दलित नेता, भविष्य का दलित नेता कौन हो राजस्थान की कांग्रेस में जो फेस बने, और दूसरा जनजाति का नेता, आदिवासी लीडर, चाहे वो पूर्वी राजस्थान का हो, चाहे वो मेवाड़ की धरती का हो, आदिवासी अंचल का हो, तो कौन वो चेहरा होगा। तो ये तमाम जो पहलू हैं, मुझे लगता है काफी चीजें विजेंद्र फाइनलाइज हो चुकी हैं, और इसीलिए अभी उन्होंने सीधा संदेश भी दिया है। मिथिलेश जैमिनी जी,
दिल्ली से मैसेज यहां पर आया, उसके बाद मुख्यमंत्री बोले हैं, मुख्यमंत्री के जरिए दिल्ली संदेश भिजवा दिया गया। देखिए विजेंद्र जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई भी आदमी लंबे टाइम तक पेशेंट रहता है या बीमार रहता है, तो उसके बाद जब फ्रंट पे आता है, मंच पे आता है, तो वो ऐसी चीज़ें बोलता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अशोक गहलोत की जहाँ तक बात करें, वो एक पॉलिटिकल इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत लंबा उनको एक्सपीरियंस है। और आज उनके रोल मॉडल जिस लाइफ में जिसे वो फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी जिसे वो बहुत दिल से, जिनके लिए कहा जाता है कि गहलोत नहीं है आंधी है, मारवाड़ का गांधी है, तो गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं और गांधी के सिद्धांतों पर चलने की हमेशा लोगों को भी नसीहत देते हैं। और आज जो उन्होंने बयान दिए हैं उनमें गांधीवाद बहुत कुछ दिखा। उन्होंने गांधीवाद तरीके से विपक्ष को भी पूरी संदेश दिया, इसके साथ साथ जो उनका विरोधी खेमा माना जाता है उसको भी संदेश दिया कि मैं फिट हूं। लेकिन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, फिट होने का मतलब हर आदमी को कल का भरोसा नहीं है, ऐसा कोई दावा कोई नहीं कर सकता बॉडी के लिए, बॉडी एक नश्वर चीज है। लेकिन उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो स्टेट की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का विजन राजस्थान को लेकर बिल्कुल क्लियर है, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए क्लियर है? हमारे साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी जुड़ चुके हैं। टीकाराम जूली जी, मानकर चलें कि अगले 5 साल 10 साल के लिए कांग्रेस को राजस्थान के लिए जो रणनीति बनानी थी वो बन चुकी है, वो मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुके और आला कमान तक भी पहुंच चुके, और उसके बाद ये कहा गया 10-15 साल कुछ नहीं होने वाला। देखिए, हर बात के अलग अलग अंदाजे लगाए जाते हैं, क्यास लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो उनकी तबीयत खराब हुई और अब वो एकदम फिट है, राज भी चलेगा, राज रिपीट भी करेगा और आगे भी आने वाले समय में कांग्रेस का राज रहेगा। और निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में वो राजस्थान की कमान संभालेंगे। और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को कोविड के समय में जो सहारा दिया है वो सब लोग जानते हैं जी, तो इस चीज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहे कि आने वाले समय में 15-20 साल कांग्रेस का राज राजस्थान के अंदर रहेगा जी। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह होकर गए और फिर मुख्यमंत्री बयान देते हैं। माने कि दिग्विजय सिंह एक संदेश लेकर आए थे जिसके बाद राजस्थान की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट, क्योंकि पंजाब के बाद जो सवाल खड़े हो रहे थे उनका भी जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी नेशनल इश्यूज को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आप देख रहे होंगे डीजल पेट्रोल रसोई ताले सरसों का तेल, जितनी भी चीजें आम लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है वो लगातार जिसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सर, ये तो मीडिया का कैमरा ऑन होने के बाद की बातें हैं, कुछ बातें होती हैं जो अंदर खाने होती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर खाने जो भी बात हुई है वो तो वही इसको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर काम चल रहा है, राजस्थान के अंदर जो बात हो रही है वो आला कमान की जानकारी में भी है और यहाँ भी है, या सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं जी। एक और सवाल सर आपसे, तो मानकर चलें कि 2023 तक तो कोई बदलाव नहीं? देखिए, ये तो आला कमान को तय करना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि काम अच्छा हो रहा है, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ठीक, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, पंजाब के अंदर जो हुआ और फिर जो हुआ, आलाकमान हो सकता है उसकी वजह से सोचते सोचते सोचने पर मजबूर हो गया हो, तो राजस्थान के लिए जो संदेश देना चाहते थे वो संदेश मुख्यमंत्री गहलोत के जरिए दिलवाया गया है? देखिए, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। जो मेरे सूत्र बताते हैं और जो समझ आता है, पहली चीज कि राजस्थान में फिलहाल जो होना था वो केवल मंत्रिमंडल विस्तार होना था, और क्योंकि पंजाब में जो हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो होने वाला है उससे हमेशा दूसरे राज्य में कनेक्ट किया जाता है। हालांकि अजय माकन भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि पंजाब के समीकरण और राजस्थान के समीकरणों में बहुत अंतर था जी। और अभी फिलहाल कोई भी नेतृत्व परिवर्तन जैसी चीज राजस्थान में नहीं है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी टीकाराम जूली जी को हम सुन रहे थे कि सारे विधायक जो हैं, खुद अजय माकन का यह अनुभव रहा है कि जब वो आए थे और इस बात का अड़कम मचा था कि विधायकों के साथ विधानसभा में अजय माकन चर्चा करेंगे, तो कम से कम 115 विधायकों में से 112 विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में बोले।
अब बात थी कि ये देरी क्यों हो रही है, पर क्योंकि दिल्ली मंत्रिमंडल विस्तार कराना चाहता था और तमाम चीजें, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैसे तो हमेशा चुप रहते हैं, विजेंद्र आप भी जानते हैं, और अपने एक्शन से मैसेज दिया करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय में वो चुप भी रहे और बीच बीच में बोलते भी रहे। जैसा मानेसर इशू हुआ था उसमें जिस तरीके से वो बोले, जो अनएक्सपेक्टेड था, फिर भी उन्होंने बोलकर मैसेज दिया। काफी लंबे समय से अभी ये जो तमाम चीजें चल रही थी पंजाब और जिससे राजस्थान को जोड़ा जा रहा था, उनकी चुप्पी थी और उनके जो विधायक से लेकर तमाम लोग जानना चाहते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच क्या रहे जी। लेकिन 2 अक्टूबर का दिन चुना क्योंकि जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अच्छे से पता है कि किस समय कैसा वार कहां पर करना है, चाहे वो शब्दों का हो चाहे किसी और चीज का, और उन्होंने सही जगह मुस्कुराते हुए ये कहा कि मैं 15 से 20 साल कहीं नहीं जा रहा हूं, जिसको दुखी होना है हो। इसके इस बयान के अपने अलग बड़े मायने हैं। आज राजस्थान की राजनीति में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं और शायद केवल इसी पर चर्चा हो रही है। आला कमान का तो पता नहीं विजेंद्र, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मंशा क्लियर कर दी। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक अनुभवी पॉलिटिशियन है, तो वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहेंगे। जब वो किसी बात को लेकर कंफर्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको उस तरह की चीज दिख रही हो या आला कमान से किसी तरह का उनके पास मैसेज हो या तमाम समीकरण उनको समझ आ रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये मैसेज दिया। ये मैसेज उनके विधायकों के लिए था, ये मैसेज उनके मंत्रियों के लिए था, ये उन लोगों के लिए था जो उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं, और ये उन लोगों के लिए भी था जो उनके साथ अभी नहीं जुड़े हुए, तो और ये बीजेपी के लिए भी मैसेज था जी, और नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने मैसेज दिया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है राजस्थान की राजनीति में, एक बहुत भूचाल पॉलिटिकल मैसेज, और दूसरी ओर जहां पर वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया की आज मुलाकात होना, ये दो बड़ी घटनाएं अपने आप में राजस्थान की। दीदी वापस मैं आपके पास आऊंगा। योगेश, जिनको दुखी होना है वो दुखी हो, ये संदेश कांग्रेस के अंदर उस खेमे के लिए था जो सोच रहा था कि कुछ बदलाव होगा, या बीजेपी के लिए था जो हर 6 महीने में मैसेज देते हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी? देखिए, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना नहीं हो सकती, ये बात सही है। आदिति ने बहुत सही फरमाया कि पंजाब से अलग है राजस्थान का सियासी भूगोल, और अशोक गहलोत क्योंकि हमेशा लॉयलिस्ट कांग्रेस के अंदर माने जाते रहे, अभी भी G23 का, अगर सबसे पहले G23 की चिट्ठी लीक होने के बाद जब विरोध हुआ था, तो सबसे पहले अशोक गहलोत आगे आए थे अमरिंदर को नसीहत देने की बात, और अमरिंदर को नसीहत भी उन्होंने दी। कई ऐसे पहलू हैं, जब आपको ध्यान होगा विजेंद्र की नरसिम्हा राव के युग के वक्त और राजीव गांधी की जो हादसा हुआ, उनके मौत हुई उनकी, उसके बाद सोनिया गांधी जब अकेली पड़ चुकी थी, तब अशोक गहलोत सरीखे नेता उस समय डटकर उनके साथ खड़े थे जी। वो बात गांधी परिवार कभी नहीं भूलता, और ये जो उनकी वफादारी की पहचान है बरसों से हम देख रहे हैं, और इसलिए वो जातिगत कोई आधार नहीं होते हुए भी वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये भी समझना होगा कि अब दिल्ली में भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है, उस बदली जो हवा है उस हवा का रुख राजस्थान की ओर भी है, तो लिहाजा जो अदिति ने बोला मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार, ये सबसे बड़ा होगा, जिसको लेकर मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और दिल्ली के बीच में चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। कब होगा क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार, उसके बाद सियासी नियुक्तियां, और उसके बाद जो जिला अध्यक्ष पूरा संगठन का ढांचा खड़ा किया जाना है, तो ये सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं, और यही कारण है कि जो कंफर्मेशन, मतलब अशोक गहलोत की खुद की कुर्सी को खतरा नहीं है, लेकिन जो नीचे जो तमाम जो कहते हैं कि इसको केंद्रीकृत जो सुधार करना है, जो कहा जा सकता है राजनीतिक तौर पर एक मैसेज मेरे पास कम है, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का जहाज दिल्ली कब पहुंचेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसी माह के अंदर मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने का कार्यक्रम पूरी तरह बन रहा है। ठीक है, मिथिलेश जैमिनी जी, क्या बीजेपी को भी एक कड़ा संदेश दिया गया कि आप अपने आप को देखिए, अगर जलते हैं तो जलते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है? देखिए विजेंद्र जी, आज उन्होंने जो कहा, उन्होंने मोदी जी तक को चैलेंज किया कि आप जो महात्मा गांधी का हत्यारे थे, उनकी विचारधारा का आप गलती को माने, माफी ना मांगे, लेकिन लोगों को ये बताएं कि गांधी की विचारधारा को अगर आप अपनाएंगे तो राष्ट्रवाद और लव जिहाद जैसी समस्याएं दूर हो जाएगी।
तो अशोक गहलोत ने बहुत मैच्योर मैसेज दिया है, पूरे इंडिया लेवल पे मैसेज दिया है। केवल बीजेपी राजस्थान बीजेपी को ही संदेश नहीं दिया है, पूरे देश की बीजेपी को संदेश दिया है कि गांधी के मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो इस देश में ज्यादा उन्नति होगी। मेरा मतलब उन लोगों से था, उन नेताओं से था जो हर छह महीने बाद कहते हैं कि सरकार छह महीने में गिर जाएगी। देखिए हर छह महीने में गिर जाएगी, लेकिन हर छह महीने में कोई चुनाव नहीं जीत पा रही बीजेपी। बीजेपी तमाम उपचुनाव हारी, पंचायत चुनाव में हारी, तो बीजेपी को खुद को मंथन करने की जरूरत है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमें 34 दिन कमरों में बंद कराया अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं की मेहरबानी से हम बंद रहे। तो अशोक गहलोत ने बहुत बीजेपी को भी सीधा मैसेज दिया, एक पॉलिटिकल मैच्योर और ब्यूरोक्रेट्स को सीधा मैसेज दिया। सर क्योंकि वक्त की कमी है और सुमित गोदारा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित गोदारा जी, हर छह महीने में आप बयान देते थे कि छह महीने में सरकार गिर जाएगी, मुझे लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री ने हर सवाल का जवाब आसानी से दिया है और स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट हुई है। क्या स्थिति स्पष्ट हुई कि 20 महीने से राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएमआर में कह दें प्रशासन गांव के संग, प्रशासन पहली बार गांव में जाने का, लोगों को संभालने का जो झूठा ढकोसला कर रहे हैं। संधु जी जिनको इन्होंने कैबिनेट का दर्जा दिया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना, जो जमानत के लिए या जेल में जाके या कितने फिरते रहे, उनको इन्होंने प्रशासन गांव के संघ का और प्रशासन शहरों के संघ का प्रभारी बनाया है। और किस 15 साल की बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो 1998 में बने परसराम मदेरना, नवल किशोर शर्मा, अनेक लीडर्स का नाम था उनके लिए, तब वो बने और 156 से 56 पे लेकर आए और फिर 100 की सीटें जब वो 2008 में बनते हैं तो 21 सीटें ले आए। कौन से 15 साल की बात करते हैं? ये इन्होंने चैलेंज किया है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कि मैं 15 साल रह सकता हूं आपके बिना। उन्होंने हमारे नहीं, उन्होंने तीर कहीं, नजरें कहीं और निशाना कहीं, ये है इनका। इनके भरोसे तो सरकार छोड़ो, 20 महीने से जनता तराई तराई कर रही है। कौन से आप मुख्यमंत्री जी ऐसा शासन राजस्थान ने कभी नहीं देखा। आपका ऐसा कौन सा काम है जो याद आ रहा है? 2003 में जब 5 साल बेरोजगारों को कोई नौकरी नहीं दी, वो ही हाल आपने क्या? सर आपका ऐसा कौन सा काम जो मुख्यमंत्री तक पहुंचा हुआ और ना हुआ हो? हेलो सुमित जी, मैं राजस्थान की जनता की बात कर रहा हूँ, मेरे काम की बात नहीं कर रहा। सर आप पर्सनल थोड़ी ना जनता के काम भी कराते हैं। जो बात परेशान हो रही है उस बात का कर रहा हूँ विजेंद्र जी। ये ठीक है, टीकाराम जूली जी, सर 30 सेकंड का जवाब देना चाहेंगे। देखिए जिस प्रकार से आज इस अभियान की शुरुआत हुई है, तो बीजेपी तो अभियान का नाम सुनते ही बैकफुट पे आ गई कि इसमें जनता का भला होगा, गरीब आदमी को मकान पट्टा उसकी सुविधाएं पेंशन सारे जमीन के जो छोटे मोटे काम सारे उसके गांव पे उसके घर के जाते सरकार कर रही है। तो अभी आपने देखा होगा काफी समय से बीजेपी अल्लाह बता रही है, पट्टे दे रहे हैं पानी नहीं दे रहे हैं, कहीं पट्टे दे रहे हैं कोई चीज नहीं दे रहे हैं। जी सरकार का नहीं, टीकाराम जूली जी सवाल उन्होंने ये किया था कि 10-15 साल की अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो आलाकमान को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, देखिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि अब मैं एकदम फिट हो गया हूँ, कोविड के बाद उनके साथ जो परेशानी आई और उसके बाद उनकी जो अब मेडिकल फिजिकल रूप से वो एकदम फिट है, ये उन्होंने कहा है। इस चीज को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब 15 साल तक कभी नहीं सोचेगी वो राजस्थान आ सकती है। और जिस प्रकार का आप बीजेपी को देख रहे होंगे, जी जनता ने दो बार मौका दिया, जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ, काम हुए उनके पर्सनल, आम जन के लिए पेंशन दिए तो कांग्रेस ने दिए, मकान दिए हैं तो कांग्रेस ने दिए, किसानों को बिना ब्याज से ऋण दिया है तो कांग्रेस ने दिए हैं, आज चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की है पूरे राजस्थान के लिए, ऐसी पूरे देश के अंदर कहीं ऐसी स्कीम नहीं जो गहलोत साहब ने यहाँ पे शुरू की है। और आज जो प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग सही मायने में लोगों को, ठीक है सर, ठीक है योगेश, क्योंकि वक्त की कमी है, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूं, जैसे एक लंबी सांस लेते हैं और सुकून मिलता है, क्या कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के बयान वही लंबी सांस है जो थोड़ा सुकून महसूस करा रही होगी कांग्रेस को, राजस्थान कांग्रेस को? देखिए बिल्कुल ये बात सही है, राजस्थान में जितने कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनमें से तकरीबन 85% के लगभग मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं और यही कॉन्फिडेंस का कारण है अशोक गहलोत का, और यही कॉन्फिडेंस उनका अपने बयानों में झलक रहा है। दिल्ली क्या सोचती है ये अलग बात है, लेकिन ये जो महीना है ये बेहद अहम है, इस महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे सामने होंगी, नवरात्रा का समय आने वाला है और उपचुनाव जो है वो भी हमारे सामने है, तो ये बात सही है कि कुछ रिफॉर्मेशन
दिल्ली करना चाह रही है वो किस तरह के होंगे, केंद्र में बिंदु, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं और वो रहेंगे अभी तक। अदिति, कम शब्दों में मानकर चलें कि मुख्यमंत्री ने आज जो बोला है उसके बाद ये भी स्थिति साफ कि चाहे विस्तार हो या फिर फेरबदल हो उसको लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है मुख्यमंत्री को, एक तरीके से ट्रस्ट में ले लिया गया है। बिल्कुल, देखिए उसको मंजूरी मिल चुकी है और उसमें जो लगातार ये बातें हो रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो उनका एक्चुअल काम, मतलब ये सारी डिसीजन मेकिंग दिल्ली पहुंच चुकी है, ऐसा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार, खास तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार में जो कुछ भी डिसीजन होगा उसमें 80% मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोल होगा, हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आज उनका झलक रहा था, योगेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो ये था कि उनके साथ 85% विधायक हैं, साथ में उनको ये पता है कि किसको हटाना है, किसको लगाना है, किसकी परफॉर्मेंस और किसको नीचे करना है, वो सारी चीजें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में उसका रिमोट है और दिल्ली वो मानेगी जो वो खुद चाहते हैं। ठीक है, मिथिलेश जमीनी जी, सिर्फ हयाना में यूडीएच मंत्री तो अगर विस्तार फेरबदल कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं अगली बार जीतूंगा फिर यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। बिल्कुल, उन्होंने यूडीएच मंत्री ने काम करके भी दिखाया है, उन्होंने जो असंभव था उसको संभव किया है, जो डबल निगम बनाए उन्होंने, कोटा में दोनों बनाए, जयपुर में एक निगम जीता, जोधपुर में एक जीता, तो ये उनके जो माइंड की जो उपलब्धि है उसको अशोक गहलोत मानते हैं। राजनीतिक रूप से शांति धारीवाल बहुत मैच्योर है और वो जानते हैं जनता की नब्ज, और ये जो पट्टे वाला इसमें डेढ़ करोड़ जोड़ने के लिए, योगेश जी आपका भी, अदिति जी आपका भी, सुमित जी आपका भी, और टीकाराम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।